चलिए हम एक बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं जो कम ऑयल से बनता है, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, कम ऑयल का यूज करते हैं। तो हमने इस रेसिपी को आलूओं से तैयार किया है। 2 आलू लिए हैं, कच्चे लिए हैं, धो लेना है। इसके बाद छील करके बढ़िया से तैयार कर लेना है। बीच में से ना कट लगाएंगे, और 3 से 4 भी कट लगा सकते हैं, बड़े आलू हैं तो बिल्कुल इस तरीके से। और फिर छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से आप काट करके तैयार कर लीजिए। तो हमने ये पोटैटो सभी तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें पकाना है, तो पकाने के लिए कुकर का भी यूज कर सकते हैं। पर डिब्बे में इन आलू के टुकड़ों को रखना है, कुकर में पानी डालना है, और बस 2 मिनट के लिए आपको भाप में पकाना है। या फिर इस तरीके से आप एक पैन रखिए, उसमें पानी को डालिए और आलू को ऐड कर दीजिए। बस 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये बढ़िया से पककर तैयार हो जाएंगे। कंटेनर या फिर छलनी की मदद से इसका पानी निकाल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब जो गर्म पानी है इसे हटा देंगे। इन आलुओं को पोटैटो मैशर की मदद से इस तरीके से घिसेंगे तो ये छन करके छलनी के नीचे आ जाएंगे। ये प्रोसेस गरम आलू में ही करना है, जो बढ़िया तरीके से मैश हो जाते हैं। ठंडे आलू हो जाएंगे ना, मैश करने में प्रॉब्लम आएगी या फिर गुठलियां भी आ सकती हैं। इस तरीके से तैयार करेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। पहले मैंने 1 बाउल यानी कि 100 ग्राम के लगभग मैं कॉर्नफ्लोर लिया है। 3 चम्मच पहले ऐड किया है, बाद में लगेगा तो और भी ऐड कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच यानी कि 150 ग्राम मैंने पूरा यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छे से मैश करेंगे, बिल्कुल स्मूदी सा इसका डो बन करके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब हाथों में ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल छोटी सी बॉल का डो तोड़ेंगे, बढ़िया से हाथों से घुमाएंगे, इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। एक और पेड़ा इसी तरीके से बनाएंगे। आपने देख लिया, गोल साइज में छोटा सा पेड़ा बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से हम सभी पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे एक साथ ही। एक बॉटल लेंगे, बॉटल जो पानी वाली आती है ना, बस वही बॉटल ले लेंगे। थोड़े से ऑयल से बॉटल को ग्रीस कर लीजिए ताकि डो चिपकने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच में से कट लगा दीजिए, मशरूम का शेप दीजिए। इस तरीके से सभी मशरूम बना करके तैयार कर लेंगे। किसी बड़े बर्तन में पानी को गर्म कर लेंगे। मैंने कढ़ाई लिया है ताकि फैल करके मशरूम पक जाए। उबाल आने के बाद इन्हें ऐड कर देंगे, ढक करके कुछ देर पका लेंगे। जब ये पकते हैं तो पानी की सतह से ऊपर आ जाते हैं। उलट पलट करके 1 या 2 मिनट और पका लें। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, छन्नी की मदद से इन्हें निकाल लें। कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए इन्हें फ्रिज का ठंडा पानी या आइस वाटर में ऐड कीजिए। कुछ मसाले तैयार करते हैं। तो 1 बाउल में सोया सॉस लेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर लीव्स, नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। पोटैटो मशरूम को पानी से निकाल करके ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अपने मन पसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर। पोटैटो मशरूम का जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गार्लिक का तड़का लगाएंगे। तो पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच गार्लिक, चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। इस गरम गरम तड़के को पोटैटो मशरूम में ऐड कर देंगे, बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। लीजिए बढ़िया सा नाश्ता, पोटैटो मशरूम कोरियन रेसिपी बन करके तैयार। बच्चे बड़े चाव से इस रेसिपी को खाएंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आई है ना तो इंडियंस किचन क्वीन को सब्सक्राइब करके रेसिपी को लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।